कोटा में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला एटा में एक बार फिर सामने आया है, जब एक निर्माणाधीन मकान के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय एक राजमिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे काम कर रहे अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन मकान का लेंटर डाला जा रहा था, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। तभी काम करते समय लोहे की सरिया बिल्कुल छत के ऊपर से जा रहे बिजली के तार पर लग गई, जिसके चलते काम कर रहे राजमिस्त्री पिंटू हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मकान की छत के नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में साथ काम कर रहे अन्य मजदूर ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या है पूरा मामला? नबी आलम जो है दरवाजे में लेंटर डाला था जी, तो उसने सारी सरिया डाली, तो लास्ट सरिया जब बची तो उसने ये करंट कैसे लगे है? इनकी जो मौत हुई है, क्या नाम है इनका? किस तरीके से इनकी मौत हुई है? ये मतलब सरिया डाल रहे तो छुल लग गई जाके, तभी उन्हें करंट लग गया। क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? तार क्या ऊपर से ही निकला हुआ है? तार ऊपर से ही है, छत के ऊपर सिर्फ एक दो आधा फुट की प्लस की जरूरत बस कमी हो। मुटुका जी, आपके जो बेटे की मौत हुई है, किस तरीके से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला जी, वहाँ मजदूरी कर रहे थे लेंटर पे, हमने मालूम खुदर जाने कह दिया मौका। क्या लग, किससे हुई है? करंट लग गया? क्या करंट 32 हुई है?